जरूरी नहीं है कि वेट लूज करना इतना अनोइंग हो, और ना ही ये जरूरी है कि वेट लूज करना इतना टायरिंग हो. बट यू नो व्हाट, वेट लॉस कैन बी इजी एंड इफेक्टिव अगर आप ये ट्रिक्स, ये हैक्स अपनी डेली लाइफ में यूज कर लेते हो तो. हैक वन, हमें अनहेल्दी खाना टेस्टी इसलिए लगता है क्योंकि उसे बनाने का तरीका, सर्व करने का तरीका, उसकी खुशबू और प्रेजेंटेशन कमाल की होती है. बट जब बात हेल्दी खाने की आती है तो हम उसे जितना बोरिंग हो सके उतना रखते हैं. आखिर ये नाइंसाफी क्यों? अपने हेल्दी खाने को भी दिखने में, प्रेजेंटेशन में, खुशबू में सुंदर बनाओ, और इसको स्टील के बर्तन में नहीं ग्लास के बोल में सर्व करो, ताकि ये दिखने में और सुंदर लगे और देखते ही दिल करे. वंस मोर, आप अपने हेल्दी बट बोरिंग खाने को टेस्टी और इंटरेस्टिंग बना सकते हो. जैसे मैं इस दलिये के बोल में ऐड कर रही हूँ कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, कुछ पीनट्स जिससे ये क्रंची भी हो जाएगा, फ्लैक्स सीड्स जिससे और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, और कुछ लेमन जिससे ये टैंगी हो जाएगा एंड और ज्यादा टेस्टी हो जाएगा. इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर सकते हो जैसे कि ओरिगैनो, चाट मसाला, मैगी मसाला, और ऐसी बहुत सी चीजें जिसको यूज करने से आपका बोरिंग खाना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और अब हेल्दी खाना भी आपको अपनी तरफ बुलाएगा एंड आप कहोगे वंस मोर. हैक टू, चलो आपके मील को थोड़ा सा चेंज करते हैं. आपकी प्लेट में राइस या रोटी है, सब्जी है, सैलेड है, तो इसको हम बदल के कुछ ऐसा कर देते हैं. तो आज के बाद से आपका सबसे बड़ा पोर्शन होगा सब्जी, उससे छोटा पोर्शन होगा सैलेड का, एंड सबसे छोटे पोर्शन में रोटी या राइस मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. मींस खाना कम नहीं मगर सही तरीके से खाना है. और अगर आपको नहीं पता कि वेट लूज करने के लिए आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो आप मेरे वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसमें मेरे एक्सपर्ट डाइटिशियंस आपके लिए एवरी वीक नया डाइट प्लान बनाएंगे, एवरी वीक काउंसलिंग भी होगी, और आपका भी बाकी लोगों की तरह वेट लूज हो पाएगा. इस प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.gunjanshouts.com पे जाके एनरोल कर सकते हो. वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. हैक थ्री, दिस ट्रिक इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड्स बेस्ट सेइंग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. मतलब कि अपने घर में ना कुछ चीजों की एंट्री बैन कर दो, जैसे कि पैकेज्ड फूड जैसे कि बिस्किट नमकीन की, रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदे की, और शुगर की. ना ये चीजें घर में होंगी और ना ही आप इनको खाओगे. सो आज से डिसाइड कर लो कि इन चीजों को मार्केट से लाना ही नहीं है. इनफैक्ट इनके बदले आप हेल्दी चीजें लो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मखाने, सॉल्टेड पीनट्स, सीड्स, फ्रूट्स, और कितना कुछ है. एंड गाइज यू नो व्हाट, हम ना हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें अनहेल्दी नहीं खाना, हमें जंक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, और ऐसे बार बार सोच सोच के हमारे माइंड को लगता है कि हम खुद के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. हमें एक नेगेटिव फीलिंग आती है जिसे सोच के हमें अच्छा नहीं लगता. सो इसको हमने चेंज करना है. हमारा फोकस क्या नहीं खाना से लेकर होना चाहिए, हमें क्या खाना है. आज के बाद मैं हमेशा हेल्दी खाऊंगा, जैसे कि मैं रोज स्मूदीज बना के पीऊंगी, एवरी ऑल्टरनेट डे कोकोनट वाटर पीऊंगी, डेली एक नया फ्रूट खाऊंगी. सो ऐसा सोचने पे आपको कॉम्प्रोमाइज वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि एक स्पेशल फीलिंग आएगी, और सोच के अच्छा लगेगा, करने का मन करेगा, एंड ये जर्नी इजी हो जाएगी. हैक फोर, बड़ी प्लेट में ज्यादा खाना भी कम लगता है, और छोटी प्लेट में कम खाना भी ज्यादा लगता है. इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन. अब इन दोनों पिक्स में मैंने सेम चपाती को दो अलग अलग साइजेस की प्लेट में रखा है. जब आप एक छोटे पोर्शन को बड़ी प्लेट में रखते हो तो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली फील होता है कि आप कम खाना ले रहे हो, एंड आप प्लेट में और खाना डाल लेते हो. और जब हम उसी चीज को छोटे साइज की प्लेट में रखते हैं तो हमारे माइंड को फील होता है हम ज्यादा खा रहे हैं, सो हम और खाना नहीं लेते. इसीलिए शायद आपने नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में छोटी सी फूड आइटम को भी बड़ी सी प्लेट में सर्व किया जाता है ताकि आप और ऑर्डर करो. वो तो ऑप्टिकल इल्यूजन को यूज कर लेते हैं. आप भी इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करके ऑटोमेटिकली कैलोरीज को कंट्रोल करो. हैक फाइव, ये थोड़ी फनी ट्रिक है मगर माँ कसम कमाल की है. सो द ट्रिक इज, आपको खाना खाने से कुछ देर पहले अपने आप को मिरर में कुछ देर तक देखना है. क्या मुझे इस ट्रिक को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आई थिंक आगे आप लोग खुद समझदार हो. सो ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो. फिट रहो, हिट रहो.